अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो अमल ऐसे हैं अगर वो आदमी करेगा तो उसका नाम शाकिरीन ज़ाकिरीन में अल्लाह शुमार करेंगे। नंबर एक, दीन के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखना, दीन के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखना और दुनिया के मामले में अपने से कमती दर्जे के लोगों को देखना, आपसे भी जो कम के जो है कम हालत में हैं, नीचे की हालत में हैं, इनको देखना। दीन के मामले में ऊपर के लोगों को देखना, हमसे भी अच्छे अमल करने वाले। जैसा आदमी पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले को देखना। दीन के मामले में ऊपर के लोगों को देखना, दुनिया के मामले में हमसे भी जो है हमें अल्लाह के फजल व करम से अच्छी हालत में, हमसे जो तकलीफों की परेशानियों की हालत में ही, इनको देखना। आज उल्टा क्या हो गया, दीन के मामले में अपने से कमती लोगों को देखते हैं, दुनिया के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं, इसलिए आदमी परेशान है। आदमी खुशी के साथ रहना, इत्मीनान के साथ रहना तो क्या करना, दीन के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखना। हमारे से जो नेक कमा करते हैं, दीन की मेहनत करते हैं, अपना जान माल दीन के पीछे लगाते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं, इनको देखना। और दुनिया के मामले में जो है हमारे से जो अच्छी हालत नहीं, बहुत कमज़ोरी हालत है, इनको देखेंगे तो शुक्रगुजारी आएगी दिल के अंदर। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो अमल जो आदमी करेगा कि जो है दीन के मामले में अपने से ऊंचे लोगों को देखे और दुनिया के मामले में अपने से कमती लोगों को देखे, तो उसका नाम शाकिरीन और जाकिरीन के फहरिस्त में अल्लाह ताला शुमार करेंगे। तो हमें इन पर अमल करने वाले बनें।